आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ जावा में एरे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। इसके बहुत सारे वेज़ है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से करके बता रहा हूँ और इसकी प्रैक्टिकल आपको, इसकी जो आउटपुट होगी वो भी आपको करके बताऊँगा। स्क्रीन पर देखेंगे, मैंने ऑलरेडी इक्लिप्स के एडिटर खोल रखा हूँ मैं यहाँ पर, और आपको डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। जावा में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले क्लास लिख लेते हैं, क्लास के बाद क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद डायरेक्टली एरे को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एरे डिफाइन करने का तरीका ये है। सबसे पहला तरीका, आप डेटा टाइप लेंगे, ठीक है। डेटा टाइप के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं, उसके बाद एरे का नाम ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं लिस्ट, राइट। और अगर हम एरे का वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ डालना चाहते हैं, एरे के एलिमेंट को, हम डायरेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। जो चूँकि हमारा जो एरे इंटीजर टाइप है, तो हम यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से डाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस वैल्यू को प्रिंट करना, तो सिंपल आपके पास एक तरीका है फॉर लूप, जहाँ से हम एरे की हर एक वैल्यू, हर एक एलिमेंट के पास पहुँचेंगे और वहाँ पर जाके हम एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंट आई का वैल्यू हम शुरू करते हैं 0 से, आई इज लेस देन, यहाँ पे लेंथ लिस्ट डॉट लेंथ भी कर सकते हैं यहाँ पे, और साथ में आप यहाँ से काउंट करके यहाँ देख सकते हैं 5, ठीक है। तो लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, जो भी आपको तरीका सही लगे वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं एरे में जो लिस्ट एलिमेंट है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे लिस्ट ऑफ आई, यानी एक एक आई का जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और लिस्ट एरे, जो एरे का नाम जो लिस्ट है वो उसमें एक्सेस करेगा और फिर प्रिंट करके हमको दिखाएगा। ये हो गया बहुत ही सिंपल तरीका एरे को कैसे यहाँ से हमने यहाँ पे इनिशियलाइज भी किया, यहाँ पे हमने डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया एक ही लाइन में, और फिर यहाँ फॉर लूप चला के हम एक एक एलिमेंट के पास पहुँचे हैं और फिर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया। यहाँ पे इसको सेव करने के बाद जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में नीचे में, यहाँ आप देखें ये सारा जो एरे का वैल्यू यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा हम इधर से ऊपर कर दें, ये आप देखें ये 25678 यहाँ पे इस तरीके से शो हो गया। चले ये हो गया इंटीजर का। अब आपको हम दिखाते हैं फ्लोट का वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देते हैं, यहाँ पे बस फ्लोट कर दें, ठीक है। फ्लोट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमको सैलरी प्रिंट करना है, तो सैलरी के लिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं कुछ, सपोज मान लेते हैं 2000 सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे 5000 हो सकता है, यहाँ पे 6000 हो सकता है, और यहाँ पे 7500 हो सकता है, और यहाँ पे 8100 हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ प्रिंट करना है लिस्ट, हटा के यहाँ पे क्या कर देना है, सैलरी कर देना है। अगर आप फोकस करेंगे अच्छे से तो देखेंगे आपका एक एक चीज़ यहाँ पे बन जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको सेव करके फिर इसको आप रन करेंगे तो इस बार देखेंगे आपकी आपकी सैलरी जो यहाँ पे प्रिंट हो गई, तो फ्लोट वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये एक तरीका है कि आप डायरेक्टली वैल्यू को डाल के प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा तरीका, जो हम जो यूज़र से लेके कैसे इसको हम प्रिंट करते हैं, ओके। यूजर से लेके आपको दिखाते हैं कैसे इसको प्रिंट किया जाता है। तो यूजर से लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिलहाल हम इंटीजर ही वैल्यू आपको दिखाते हैं। सपोज हम स्टूडेंट का यहाँ पे एज दिखाते हैं आपको कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से हमने एज ले लिया, ये हो गया आपका वेरिएबल एज, और यहाँ पे इस सारे को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू, और हमारा डेटा टाइप क्या है, इंट, और यहाँ पे हम साइज ले लेते हैं 5, राइट। ये सेमी कोलोन, ये हो गया हमारा यूजर से कैसे हम डिक्लेयर करेंगे एज। हमारा एज जो है यहाँ पे, ये एरे का नाम हो गया, एरे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे स्कैनर कर देते हैं ताकि यहाँ से हम वैल्यू को डाल सके। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, अगर आपको स्कैनर नहीं पता तो स्कैनर आप जानेंगे, एक स्कैनर क्लास होता है जो यूटिलिटी पैकेज में अवेलेबल है और जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट कराते हैं, सिस्टम डॉट इन। ये आप मेथड को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अब ये स्कैनर में यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो हम चलें पहले इसकी इंपोर्ट क्लास यहाँ से लिख लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपोर्ट, चूंकि हमारा जो है ये इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेहतर होगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी, ठीक है। ये हो गया यहाँ इस तरीके से। अब यहाँ पे स्कैनर भी यहाँ देखिए कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं वैल्यू को, पहले सिस्टम सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट ln, इंटर इंटर वैल्यू,
ये इस तरीके से मैसेज प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ लूप चलेगा। इसको यहाँ ले लेते हैं फिलहाल नीचे, इसको नीचे ले लिया जाए, और यहाँ पे इस तरीके से वी, ठीक है। अब यहाँ पे लूप चलेगा, आप देखें यहाँ लूप चल रहा है, जितने बार लूप चलेगा, 5 तक हमने लूप चलाया। और यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि एरे का नाम क्या हमारा एज है ना, तो एज लेंगे, एज ऑफ यहाँ पे आई लेंगे, इक्वल टू आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब नेक्स्ट इंट क्या है, अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो नेक्स्ट इंट के बारे में बता चुका हूँ कि इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट कराने के लिए नेक्स्ट इंट लेते हैं हमारे पास, ये मेथड स्कैनर क्लास का मेथड है। तो नेक्स्ट इंट जो है ये स्कैनर क्लास का मेथड है, और स्कैनर क्लास का मेथड को यूज़ करने के लिए एस जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, एस के थ्रू हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ एंट्री हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना, राइट, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी में कर दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स आर, यहाँ से इसको हम फिर लूप चलाएं, और यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमारा वैल्यू किस में है, एज में है, एज ऑफ आई। एक एक एलिमेंट को रीड करेगा, एक एक एलिमेंट को रीड करेगा, और फिर वो एक्सेस करके प्रिंट कर देगा, और फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका प्रोग्राम। यहाँ से यहाँ एक ग्रुप है, ये फॉर लूप का अलग है, यहाँ से यहाँ एंट्री करने के लिए है, और यहाँ से ऊपर में जो ये क्लास की ये मेथड सारी चीज़ यहाँ पे हमने लिया। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद उसके बाद इसको हम रन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंटर वैल्यू 12 23 34 45 56। देखिए सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे 12 23 34 45 46 ये एलिमेंट आई जो आपने डाला वो यहाँ पे आ चुका, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो हमने एलिमेंट डाला वो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया, दैट मीन्स ये आपका जो एरे का एग्जाम्पल हुआ, ये आपका डायनेमिक रन टाइम में जो हमने वैल्यू डाला है वो आपका यहाँ पे प्रिंट किया। तो आपने देखा आज के वीडियो में कि एरे को कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर और या तो फ्लोट या और दूसरे टाइप भी ले सकते हैं, और रन टाइम में वैल्यू डाल सकते हैं, इवन आप डिज़ाइन टाइम में वैल्यू डाल सकते हैं, और इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप बेस बना के आप इसको और अच्छे से करें तो आप देखेंगे कि कैसे आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पे रन कर रहा है। होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।